तो ये जो 10-10 घंटे बिजली जा रही, इसके बारे में जरूर हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे। युवाओं का जो युवा पीढ़ी की मुश्किलात है उसको दूर करेंगे। और जम्मू कश्मीर ये हमेशा पहले ये रहता था कि तब 6 महीने या 4 महीने यहाँ पर दरबार मुंह चलता था, दरबार मुंह में जम्मू में और कश्मीर में। फिर उसको हम वो चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट और लोगों को आना जाना और बहुत सुलभ होता है, इसीलिए ये काम भी हम कर रहे हैं, करेंगे। और इस सब को बहुत बड़ा तो हमारा मैनिफेस्टो तो ऑलरेडी रिलीज है, तो उसका कॉपी बाद में बांटेंगे शायद। हाँ, तो हम उसके अलावा जो कोई ये तो है, जब ये टूर हमारे देखिए हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर हो, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और जब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है तो इसके लिए वातावरण बनाकर इसको टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे, ये वादा हमारा है। और इसके लिए हम पहले से भी कोशिश करते आए हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीवन जो उनका इनकम है इस पर ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया था, ये बातें मैं आपके सामने रख दिया हूँ, तो आप इसको ठीक ढंग से जो हमारी कांग्रेस और एनसीपी की एनसीपी गवर्नमेंट है आने वाली है, इसको हम मजबूती से काम करेंगे। और ये एनसी और कांग्रेस पहले जो चरण में इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ, उसमें भी काफी हमको आशा है कि एनसी को और कांग्रेस को बड़े सीट मिलेंगे। और उसी के साथ ही अब जो चलने वाले सेकेंड थर्ड फेज है उसमें भी हम कामयाब होंगे। और लोगों का हमेशा के लिए ये कहना है कि भाई कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलके जीतेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे और कोई भेदभाव सरकार नहीं होगा, ये सरकार जो होगा निष्पक्ष पात और सबको लेके चलने की सरकार होगी, ये हमारा कहने का है। तो आपका भी मैं मदद चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करके हमारे लिए काम करो, तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि कल के दिन आपके ओनर बोलेंगे अरे तुमने कांग्रेस का प्रचार कर रहे तो इसीलिए आपको झट से निकाल रहे, तो वो नहीं चाहता मैं। जहाँ भी है देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आप काम कीजिए, और आपका भी हम मदद